विष्णु भगवान पालनहारी क्यों कहलाते हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। श्री ब्रह्मा जी को सर्जन का और विष्णु जी को पालन पोषण करने का कार्य सौंपा गया है। विष्णु जी को परमेश्वर के तीन मुख्य रूपों में से एक माना जाता है। विष्णु जी को विश्व का पालनहार माना जाता है। वे त्रिमूर्ति का अहम हिस्सा हैं और उन्हें सर्वव्याप्त माना जाता है। धरती पर रहने वाले समस्त जीवों के आश्रय होने की वजह से उन्हें नारायण भी कहा जाता है। कहते हैं कि समूचा विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। उनका निवास क्षीर सागर है और वे शेष नाग के ऊपर शयन करते हैं। एक कहानी हमने बचपन में कही पढ़ी थी किसी धार्मिक पुस्तक में, जो इस प्रकार है। एक बार श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी में वार्तालाप हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप सारे जगत का पालन करते हो, तो विष्णु जी ने कहा हाँ। तो लक्ष्मी जी ने उनकी कसौटी करने का फैसला लिया और उन्होंने एक चींटी को एक डिब्बी में बंद कर दिया। भगवान सबका पालन पोषण करने निकले और घर आए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप सबका पालन पोषण करके आए, तो विष्णु जी ने जवाब दिया हाँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, अभी भी एक जीव भूखा है। तो विष्णु जी ने कहा कि कैसे, तो लक्ष्मी जी वो डिब्बी लेके आई और बोली कि मैंने इस डिब्बी में एक चींटी को बंद कर दिया है, वो भूखी है। तो विष्णु जी ने डिब्बी खोलने को कहा और देखा तो चींटी चावल खा रही थी। माता लक्ष्मी को हैरानी हुई कि ये कैसे हुआ, मैंने तो चावल नहीं डाला था। तो विष्णु जी मुस्कुराए और बोले कि आपके तिलक में जो चावल लगा था वो मैंने इसमें गिरा दिया और वो खाने लगी। लक्ष्मी जी मान गई और प्रभु को प्रणाम किया। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि भगवान विष्णु के पुत्र का क्या नाम है। आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।